तो फाइनली 2 दिन बारिश के बाद आज हमें आसमान साफ मिला है और अच्छा बारिश हुई, जिसके कारण कि और जो आसमान में धूल थी वो नीचे चली गई और हम अच्छे से इमेजेस आज ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैप्चर करने वाले हैं पिनव्हील गैलेक्सी को, जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है और अर्थ से करीब 21 मिलियन लाइट ईयर दूर है। तो इसे कैप्चर करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारा विलियम ऑप्टिक्स का टेलीस्कोप, जिसके की फोकल लेंथ 480 mm है। तो देखते ही, और हाल ही में इसमें एक सुपरनोवा डिस्कवर हुआ है 2023 में, तो उसे भी हम कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम हमारा अमाउंट और टेलीस्कोप जोड़ लेते हैं, फिर देखते हैं इमेजेस कैसे आते हैं। तो अभी हमने हमारा टेलीस्कोप पर माउंट जोड़ के पोलर अलाइनमेंट करके इमेज कैप्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और आसमान देख सकते हो आप लोग कितना साफ है। शायद इसमें स्टार आज बहुत आसमान बहुत आज साफ है, आप देख सकते हो सीरियस ये। तो इमेजेस आज शायद बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो देखते हैं पिनव्हील गैलेक्सी का लाइव व्यू। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, अभी 40 सेकंड बाद आ जाएगा। तो ये रहा लाइव व्यू पिनव्हील गैलेक्सी का, बहुत ही अच्छा रहे। और यही पे कहीं पे सुपरनोवा डिस्कवर हुआ है, शायद ये हो सकता है शायद। तो आज हम करीब करीब 40 या 50 इमेज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आसमान बहुत साफ है आज। तो चलो आज की इमेजेस ले लेते हैं, और ऐसे ही हम करीब करीब 7 या 8 घंटे का डाटा लेने वाले, जिससे कि हमें बहुत अच्छी इमेज मिले। तो चलो आज की इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं। तो आज है डे नंबर 3,
और हमने आज के इमेजेस कैप्चर कर लिए, तो हमारे पास शायद 120 या 125 इमेजेस है अभी, तो इतना डाटा काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए प्रोसेस करने को। तो अभी हम कुछ डार्क और फ्लैट इमेजेस लेने वाले हैं और निकल जाएंगे, और फाइनल इमेज मैं आपको दिखा दूंगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाना चाहिए वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं।